उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर हैं। शहर के पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे, फिर वहां से निकलकर जीआईसी मैदान में 1:30 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए भाजपा का शक्ति प्रदर्शन कर 25,000 से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। पार्टी निकाय चुनाव को लेकर जीआईसी के मैदान में शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस दौरान 1,057 करोड़ रुपए की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे, जिसको लेकर भाजपा व जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखेंगे। अयोध्या नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि कल मुख्यमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या में विकास कार्य चल रहे हैं, उसकी कमिश्नरी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, कल बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे और रामकथा पार्क में आयोजित 41वें रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी जीआईसी मैदान में कार्यक्रम के बाद द्वितीय मेला में लगभग 3 बजे अयोध्या धाम के रामकथा पार्क में आयोजित 41वें रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। वहीं रामायण मेले की शुभारंभ के पूर्व रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। बता दें कि सम्मेलन में टिकट के दावेदारों से भीड़ जुटाने के लिए कहा गया है। जनसभा स्थल व अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो टिकट के दावेदारों द्वारा ले आई जाने वाली भीड़ का आकलन करेगा, जो टिकट मिलने का एक आधार भी बनेगा। इसको लेकर पार्टी कार्यालय पर एक तैयारी बैठक आयोजित की गई थी। कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और कहाँ कहाँ कार्यक्रम है, क्या क्या कार्यक्रम? माने मुख्यमंत्री जी कल अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या में वो जो विकास के कार्य चल रहे हैं अयोध्या के, उनकी समीक्षा बैठक करेंगे कमिश्नरी में, कमिश्नर ऑफिस में, और उसके बाद फिर उनका कार्यक्रम रामायण मेले का है, रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ, उसमें कई कार्यक्रम है, उसमें कार्य करेंगे और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।